बकरीद से पहले मुंबई में भी हंगामा मचा हुआ है। यहाँ बवाल के पीछे वजह एक बकरा जिस पर राम लिखा है। मामला बढ़ता देखा तो पुलिस पहुंच गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे आराध्य का नाम क्यों डाला, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जानबूझकर बकरी पे राम लिख के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही बकरा है जिसकी वजह से बकरीद से पहले बवाल खड़ा हो गया। ये वही बकरा है जिसकी वजह से इसके मालिक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। ये वही बकरा है जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ा कि हालात काबू करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। इस विवाद की वजह है बकरे की पीठ पर लिखा राम नाम। बकरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मैसेज फैल गया कि बकरीद के मौके पर यह बकरा खुले में काटा जाएगा। ये पूरा मामला नवी मुंबई का है जहां बेलारपुर के एक मटन शॉप में बेचा जा रहा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक दुकान मालिक ने ऑयल पेंट का इस्तेमाल करके बकरे पर राम लिख रखा था। बवाल इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। वाद विवाद हुआ और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। उनके पास ऑयल था, ऑयल पेंट था, ऑयल पेंट से वो खुद लिख रहे थे। बाद में जैसे हमने वो बकरे को देखा तो बाहर इधर टांगा हुआ, तो मैं जैसे मैं आया तो अंदर लेके गए, फिर देखा तो उनके हाथ में पेंट का डिब्बा भी है जो मिटाने का कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महानगर पालिका ने इस मटन शॉप से 22 बकरों को जब्त किया है। जब उससे पूछा गया कि ये नाम आपने क्यों लिखा है, तब इस बात का जवाब दुकान के मालिक के पास नहीं था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, फिलहाल वो हिरासत में हैं। बकरे पर राम लिखे होने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी भड़के हुए हैं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इस दुकान पर गोमांस भी बेचा जाता रहा है। 2 महीने पहले ही यहाँ पे गोमांस पकड़ा गया, आज ये घटना हो रही है। मतलब इसमें कौन सी ताकतें इन्वॉल्व है, कौन इनको भड़काना चाहता है? हिंदुओं को बार बार यहाँ पे उकसाने की बात हो रही है। सुबह 7 बजे वो टेम्पो आता था यहाँ पे गोमांस लेके, तो तभी उसको पकड़ा। यही पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, एफआईआर हुई। पूरे विवाद के बाद मुंबई के मीरा रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, क्योंकि बीते साल भी यहाँ कुर्बानी के लिए लाए गए बकरे पर विवाद हो गया था जब एक सोसाइटी से सैकड़ों बकरे बरामद हुए थे। और अब बकरे पर राम लिखकर बेचने के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।